आंखें मूंद लेने से खतरा न जाएगा, अब वो होगा जो आगे देखा न जाएगा। निश्चित तौर पर अब हो वाला है मध्य प्रदेश में लोकसभा के चुनावी संक्रांत। और विंध्य में 4 सीटन पर 3 सीटन पर कांग्रेस उम्मीदवार उतार दी सी, तो 4 सीटन पर भारतीय जनता पार्टी अपन उम्मीदवार उतार चुकी है। सबसे कड़ी और बड़ी लड़ाई यदि देखे को मिली तो सतना, सीधी, रीवा में देखे को मिली। शहडोल में हालांकि यह माना जा रहा है कि बीजेपी के पलड़ा भारी है। सबसे बड़ी बात कि आज अपना से हम चर्चा करे आए हैं रीवा के लोकसभा सीट के, जहां एक अनार कई अठे बीमार रहे, लेकिन बीमारी के इलाज तो हो गया, लेकिन अब आगे का हो वाला है, काहे कि कांग्रेस के अभी तक उम्मीदवारन के ऐलान नहीं भाए। काहे नहीं भाए, कई एक तरह के मन में सवाल हुई, उन्हों के जवाब भेरे के हम हूँ प्रयास करे हैं। तो विंध्य क्षेत्र के या पहल बघेली न्यूज चैनल पर हम कनी तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी पूरी खबर के, जहां अपना पंचन बता दी कि मध्य प्रदेश के विंध्य के सियासत के गढ़ कहे जाए वाले रीवा लोकसभा सीट में अब कहो न कहो थोका सतही बात हो लागी है। सतही बातें से काहे कि अभी तक भाजपा में दावेदारन की एक लंबी फौज रही, काहे कि भारतीय जनता पार्टी के रीवा के जिला अध्यक्ष अजय सिंह का लयके, गौरव तिवारी का लयके, परमजीत सिंह डंग का लयके, या कहा जाए संजय द्विवेदी का लयके, मतलब कई अठे के पित्रपाठी हो गए, कई अठे दावेदार रहे, सलगे दावेदारन के अरमानन पर पानी फिरे के बाद पूर्व, मतलब यह कहा जाए तत्कालीन लोकसभा सांसद, रीवा लोकसभा के सांसद जनार्दन मिश्र का फिर से भारतीय जनता पार्टी टिकट दे दी। अब सवाल यह उठेला कि लोकसभा में आखिर रीवा में सांसद जनार्दन मिश्रा काम का करी, हालांकि उहे कामन का गिनाबे के प्रयास करत है जो उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के द्वारा उनके उपलब्धि में उनका जोड़ा जाता है। हालांकि लगातार राजेंद्र शुक्ला रीवा के विकास में कौनो कोर कसर नहीं छोड़ी रहे हैं और यह उनके दौड़ के आधार पर हम कह रहे हैं, लेकिन जनार्दन मिश्रा की जब कार्यकाल की बात आवत थी तो वो सिर्फ एक यसमैन बने दिखा थे और निश्चित तौर पर यसमैन के अलावा उनकर कौनों में के बड़ी उपलब्धि देखे कर नहीं मिले। हालांकि वह कहले थे तो बहुत बड़ी बात यह है, हालांकि कई अच्छे वायरल वीडियो दिखे हो, स्वच्छता के बड़े प्रेमी है केहू के जो है टट्टी पिशाब के बाद पोंद धोबे लागत थे, तो केहू के जो है झाड़ू लगावे लागत थे, केहू के सीट धोबे लागत थे, यह उनकर मीडिया में सुर्खी खबर बनी है। लेकिन अब बात रीवा के कांग्रेस उम्मीदवार के हो जाए तो लगातार यूं दावेदार तो बहुत रहे, बहुत मन से नहीं रहे, केवल नाम से रहे, चाहे राजेंद्र शर्मा जिन जे रीवा विधानसभा से बतौर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के विपक्षी उम्मीदवार रहे, अजय मिश्रा बाबा महापौर रीवा नगर निगम, कविता पांडे और फिर नई एंट्री के रूप में अभय मिश्रा के धर्मपत्नी नीलम मिश्रा, यह माना जाए कि इन्हीं चेहरन के बीच में उम्मीदवारन के तय हो लगा रहा। लेकिन दिल्ली से एक बात आई कि यह सीट में तब्दीली भई ही और यह सीट पुरुष सीट न हो के महिला सीट में तब्दील कीन गए। अभय मिश्रा नए नवेले दावेदार कैसा बन गए, वो पहले अपने लड़का विभूति नारायण खातिर जो है लगे रहे कि लोकसभा में कांग्रेस के उम्मीदवार बन जाए, लेकिन उनका यह बात कही के मना कह दीन गए कि यहाँ रीवा लोकसभा में महिला उम्मीदवार का यह टिकट कांग्रेस दे चाहती, फेंका रहा, कविता पांडे के पत्ता कटा और वो के बाद अभय मिश्रा के नीलम मिश्रा जो धर्मपत्नी आई पूर्व विधायक सिमरिया आई उनकर टिकट में दौड़ जारी हो गया। दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाए रहे हैं और लगातार अपन दावेदारी सुनिश्चित कह रहे हैं और माना यह जा रहा है कि अभय मिश्रा एक कड़ी और बड़ी टक्कर रीवा लोकसभा में दे सकते हैं, काहे कि यह चुनाव उप मुख्यमंत्री बनाम अभय मिश्रा बने वाला है, जैसा कि कल अपना से बात भ रही और बताए रोहन कि उप मुख्यमंत्री के यस मैन आई जनार्दन मिश्रा जिनके द्वारा लगातार उप मुख्यमंत्री के कंधे से कंधा मिलाए के चले के दावा की जात है और उनके विकास के कामन का अपन विकास काम बतावे के प्रयास की जात है। तो अब धर्म पत्नी के सारथी तो अभय मिश्रा होबे करी और वो सारथी कहो न कहो ये रीवा के अंतर द्वंद्व जो हो वाला है, महादंगल जो हो वाला है, महामुकाबला जो हो वाला है, इनकर आमने सामने लड़ाई हो लगभग तय हो गई और रीवा के लोकसभा सीट से
उम्मीदवार के नाम के ऐलान आज अपना काम कह दिए थे। नीलम मिश्रा का महिला कोटा से रीवा लोकसभा से जो है कांग्रेस उम्मीदवार बनावे जा रही है। अब कहो न कहो एक बड़ा गेम देखे के मिली, एक रीवा में एक बड़ी उकड़ी लड़ाई देखे के मिली। कहे कि अभय मिश्रा के चुनाव लड़ाई के तरीका का लेके यहाँ के लोग खुद बड़े अच्छे से जानत है कि कितना ऊपर जा सकत है, कितना नीचे आ सकत है। और वह कहो न कहो माहौल ये चुनावों में देखे के मिल सकत है। कहे कि सिमरिया विधानसभा चुनाव केहू का बिसरा नहीं है। केपी त्रिपाठी मात्र 600 वोटन से चुनाव इतनी हवा के बाद हार गए। तब अभय मिश्रा बनाम राजेंद्र शुक्ला यह चुनाव हो जा रहा है। और यह राजेंद्र शुक्ला बनाम अभय मिश्रा के चुनाव में का राम मंदिर बड़ा मुद्दा हुई या मोदी की गारंटी बड़ा मुद्दा हुई, यह तो आवे वाला वक्त बताई। अपना का सोची थे रीवा लोकसभा सीट का लेके, कहे कि अब गली गली गांव गांव पहुंच रहा है सरकार 2024 के या रथ जो बघेली न्यूज चैनल के है। लगातार गांव के लोगों से मिली और उनसे उनकर राय जाने के प्रयास करी कि आखिरकार उनके मन में है को केकर सरकार, राहुल गांधी का उनका लागत है कि प्रधानमंत्री बने चाहिए या फिर नरेंद्र मोदी का। हालांकि राहुल गांधी के लेके एक बड़ा गठबंधन उनके द्वारा बनावा गया है, प्रधानमंत्री के चेहरा नहीं तय की गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि मोदी सरकार के गारंटी वास्तव में सही है या गारंटी फेल ही हुआ तावे वाला वक्त बताई। और मतदाता से अपील करी थे हर बेरे कि कौनों में के दारू बारू या अन्य प्रलोभन में अपना वोट अपन मतदान कीमती मत न देव। कहे कि या मतदान में अपना के मत एक आधारशिला बनाई अपना के देश के राष्ट्र निर्माण में एक अलग भूमिका निभाई अपना के मत। तो ऐसे मत का बेहद सावधान सतर्क सजग हो के यह मत के उपयोग कर अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।